सोनीपत जिले में 12 नवंबर को होने वाले पंचायत चुनाव के लिए सोनीपत पुलिस ने कमर कस ली है। सोनीपत एसपी हिमांशु गर्ग ने पुलिस कर्मचारियों के साथ बैठक लेते हुए उन्हें चुनाव के दौरान जरूरी दिशा निर्देश दिए। वहीं इस दौरान उन्होंने जानकारी दी कि सोनीपत जिले में 975 बूथों पर मतदान होगा, जिनमें से 80 बूथ अति संवेदनशील हैं, जिन पर अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी गई है। इसी के साथ शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के लिए डीएसपी और एसएसपी लेवल के अधिकारियों की भी नियुक्ति की गई है। देखिए, टोटल बूथ यहाँ पूरे जिले में 975 हैं, जिसमें से हमने कुल 80 लोकेशंस, जिसमें बूथ तो और ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन जो 80 गांव हैं उनको हमने सेंसिटिव घोषित किया हुआ है, और उसमें हमने अतिरिक्त पुलिस बल भी लगा रखा है। वहाँ पर बंदूकधारी पुलिस वाले भी वहाँ पर तैनात किए गए हैं, और उसके अलावा विभिन्न पेट्रोलिंग पार्टीज का गठन भी किया गया है, और सीनियर अधिकारी डीएसपी लेवल के, एडिशनल एसपी लेवल के अधिकारी भी पेट्रोलिंग पार्टी के इंचार्ज बनाए गए हैं, और हम स्वयं भी, मैं और डीसी साहब, पूरा प्रशासन का जो अमला है वो सारा कल ऑन द मूव रहेगा। विभिन्न हम बूथों पे चक्कर लगाएंगे और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी किसी प्रकार की हिंसा या कोई और गलत प्रकार की घटना ना हो। सर, जिला परिषद और ब्लॉक समिति का चुनाव हुआ, उस समय कुछ पुलिसकर्मी ड्यूटी से नदारद मिले थे, मुकदमे दर्ज किए गए, किस तरह कार्रवाई की? बहुत ज़्यादा संख्या ऐसे कर्मियों की नहीं थी, लेकिन 2 या 3 पुलिसकर्मी जो नदारद थे उनके खिलाफ हमने कार्रवाई करी है, और उसके खिलाफ जो रिपोर्टेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर जो पर्चा दर्ज होता है हमने क्रिमिनल एक्शन भी लिया है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी करी है। बता दें कि मीटिंग के दौरान पोलिंग पार्टियों को ईवीएम मशीन दी गई है और उन्हें उनके सेंटरों को जानकारी देकर भेज दिया गया है। तो वहीं बूथ पर पुलिस कर्मचारी हथियार के साथ तैनात किए जाएंगे ताकि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो सके। इसके लिए सभी पुलिस कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा नदारद रहने वाले पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।